हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मेमोरी हायरार्की के बारे में। अब यहाँ पे एक हायरार्की देख रहे हैं। ये हायरार्की इनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग इन्हें डिवाइड किया गया है। सबसे टॉप पे रजिस्टर को रखा गया, देन कैश मेमोरी, देन प्राइमरी एंड देन सेकेंडरी। बात करें इनके एक्सेस टाइम की, तो जो एक्सेस टाइम है फ्रॉम टॉप टू बॉटम वो इनक्रीज़ होता है। सबसे ज़्यादा एक्सेस टाइम सेकेंडरी मेमोरी का होता है, देन प्राइमरी का उससे कम, देन कैश का उससे कम एंड रजिस्टर का सबसे कम एक्सेस टाइम होता है। एक्सेस टाइम मीन्स कि अगर हम कोई डेटा सर्च कर रहे हैं तो वो डेटा हमारे सिस्टम से या सेकेंडरी मेमोरी से या किसी मेमोरी से अगर हम उसे एक्सेस कर रहे हैं तो वो कितना टाइम ले रहा है, वो होता है एक्सेस टाइम। तो बात करें सेकेंडरी मेमोरी की, तो सबसे ज़्यादा अगर डेटा सर्च कर रहे हैं सबसे ज़्यादा टाइम सेकेंडरी मेमोरी लेता है, और सबसे कम टाइम की बात करें तो रजिस्टर सबसे कम एक्सेस टाइम रहता है। तो एक्सेस टाइम रजिस्टर का सबसे कम है, इट मींस कि रजिस्टर की स्पीड जो है वो फास्ट होगी। तो अगर स्पीड की बात करें, फ्रॉम बॉटम टू टॉप स्पीड इंक्रीज होती है। स्पीड की बात करें तो सेकेंडरी की सबसे कम स्पीड होती है एंड रजिस्टर की सबसे ज़्यादा। एंड इसी के अकॉर्डिंग कॉस्ट की बात करें, तो जो स्पीड फास्ट, जिसकी स्पीड फास्ट होगी उसका कॉस्ट भी उसकी ज़्यादा होगी, डिमांड उसकी ज़्यादा होगी, इट मींस कि उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी। तो स्पीड एंड कॉस्ट दोनों फ्रॉम टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है। बात करें साइज़ की, तो सेकेंडरी मेमोरी में फॉर एग्जांपल हम पेन ड्राइव यूज़ कर रहे हैं तो पेन ड्राइव की साइज़ बहुत मिनिमम होती है, बट रजिस्टर यूज़ कर रहे हैं तो रजिस्टर की साइज़ जो है वो ज़्यादा बड़ी होती है। फ्रॉम टॉप टू बॉटम साइज़ डिक्रीज होगी। इट मीन्स कि सबसे ज़्यादा रजिस्टर की, देन कैश की, देन प्राइमरी की एंड सबसे कम जो है सेकेंडरी मेमोरी की होगी। इसके बाद बात करें स्टोरेज कैपेसिटी की, तो स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम स्टोरेज कैपेसिटी इंक्रीज़ होती है। जैसे रजिस्टर की कैपेसिटी सबसे कम होती है, कैश की उससे थोड़ी ज़्यादा, प्राइमरी की उससे ज़्यादा एंड सेकेंडरी की सबसे ज़्यादा। सेकेंडरी मेमोरी एक्सटर्नल डिवाइसेस की तरह काम करते हैं, तो इनकी स्टोरेज कैपेसिटी के लिए ही इन्हें सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इसलिए इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती है। तो अब अगर हम सीरियल वाइज एक एक के बारे में जानें, तो फर्स्ट इज़ रजिस्टर, जो कि ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट है दैट इज़ यूज टू होल्ड द इंफॉर्मेशन एज बिट्स। ये जो भी इंफॉर्मेशन अपने पास स्टोर करता है वो बिट के फॉर्म में इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा। दूसरी चीज़, एक्सेस टाइम इसका सबसे कम एक्सेस टाइम होगा, इट मींस कि ये फास्टर होगा, स्पीड ज़्यादा होगी, स्टोरेज कैपेसिटी कम होगी। तो रजिस्टर जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा वो बिट के फॉर्म में सारी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। कैश मेमोरी, सेकेंड इज़ कैश मेमोरी। बेसिकली कैश मेमोरी जो होती है वो सीपीयू एंड मेन मेमोरी के बीच में रिसाइड करती है, इन बिटवीन प्रोसेसर एंड मेन मेमोरी। कैश मेमोरी की बात करें तो इसकी साइज़ स्मॉल होती है, एक्सेस टाइम भी कम होता है, इट रिड्यूसेस द एवरेज एक्सेस टाइम बाय मेंटेनिंग द लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, दैट इज़ व्हाई इट इज़ फास्टर, इसलिए फास्टर होती है। इसका एक्सेस टाइम भी कम होता है, इसलिए कहते हैं कि ये फास्टर है। देन डेटा और कंटेंट ऑफ द सीपीयू दैट इज़ यूज्ड अगेन एंड अगेन सो दैट द डेटा इन वी कैन ईजली एक्सेस द डेटा इन शॉर्टर टाइम। मीन्स कि जो भी डेटा इसमें स्टोर होता है, कैश मेमोरी का एक्चुअली हम लोग यूज़ इसलिए करते हैं बिकॉज जो भी डेटा हम सीपीयू से डेटा जो भी एक्सेस कर रहे हैं, जो भी डेटा हम यूज़ कर रहे हैं, वो डेटा अगर बहुत रैपिडली यूज़ हो रहा है, बार बार यूज़ हो रहा है, तो उसे हम इंटरनल मेमोरी या एक्सटर्नल मेमोरी में नहीं रखेंगे, उसे हम रखेंगे एक अपनी अलग डिवाइस में जिसे कैश मेमोरी कहते हैं, ताकि हम उसे रैपिडली या स्पीडली उसे एक्सेस कर सकें। उसका एक्सेस टाइम कम होगा तो उससे वो फास्टर हो जाएगी, मीन्स कि हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कि जो भी हमारा जो डेटा है अगर वो बार बार यूज़ कर रहा है तो हम उसे बहुत जल्दी से एक्सेस कर लेंगे, इसीलिए इसे फास्टर भी कहते हैं। ये सबसे फास्टर मेमोरी कहलाती है।
और प्लेस्ड होती है इन बिटवीन प्रोसेसर एंड मेन मेमोरी। बात करें मेन मेमोरी की, तो मेन मेमोरी कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द सीपीयू। मेन मेमोरी जो होती है वो सीपीयू से डायरेक्टली कांटेक्ट करती है। साइज़ में लार्ज होती है, लार्जर देन हम कह सकते हैं लार्जर देन सीपीयू एंड लार्जर देन कैश मेमोरी एंड रजिस्टर। फास्ट होती है, बट सबसे फास्ट नहीं होती है, फास्टर नहीं होती है, फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी कह सकते हैं। स्टोर डेटा ड्यूरिंग कंप्यूटर ऑपरेशन, जब भी डेटा हम कंप्यूटर में जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं एट अ टाइम जो इन्फॉर्मेशन हमारी स्टोर होगी जहाँ जाके वो कहलाएगा मेन मेमोरी, यानी कि रैम। रैम में हमारा जो भी डेटा है वो एट अ टाइम जो भी काम कर रहे हैं हम, वो डेटा हमारा रैम में स्टोर होगा, मीन्स कि इंटरनल मेमोरी में। टेम्प्रेरी मेमोरी कहते हैं, टेम्प्रेरी मेमोरी इसलिए कहते हैं बिकॉज जो भी डेटा है हमारा वो टेम्प्रेरीली है। आफ्टर द पावर इज स्विच ऑफ द डेटा इज लॉस, सो इट इज़ कॉल्ड एज टेम्प्रेरी मेमोरी। एंड जो इसका नेचर होता है उस नेचर को कहते हैं वॉलेटाइल इन नेचर। वॉलेटाइल मीन्स कि जब तक हमारा पावर स्विच ऑन रहेगा, जब तक सिस्टम शट डाउन नहीं होगा, हमारा डेटा हमारे पास सेफ है। बट जैसे ही डेटा हमारा हमारा सिस्टम शट डाउन होता है, डेटा आपका लॉस्ट हो जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड वॉलेटाइल इन नेचर। मेन मेमोरी जो होती है वो बेसिकली दो टाइप्स की होती है, रैम एंड रोम। रैम की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो 16 GB होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा। कंपेयर टू रोम, रीड ओनली मेमोरी, दैट इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम की कैपेसिटी बहुत कम होती है, फ्यू MB कह सकते हैं, या फोर अप टू 4 MB, जो कि बहुत कम है। रैम एक्चुअली, रैम दो टाइप्स के होते हैं, SRAM एंड DRAM, स्टैटिक रैम एंड DRAM, डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम मीन्स कि जो भी डेटा है वो हमारा स्टैटिक है, अपडेटेड नहीं है। तो जो भी डेटा है वो अपडेटेड नहीं है, यानी कि वॉलेटाइल इन नेचर है। वॉलेटाइल है मीन्स फास्टर है, मीन्स ईजली एक्सेसिबल है, बट वो डेटा हमारा अपडेटेड नहीं है। बस एक क्वालिटी इसकी ड्रॉबैक होते हैं कि ये डेटा अपडेटेड नहीं होता है। बट DRAM की बात करें, डायनेमिक रैम की, तो डेटा एवरी टाइम रिफ्रेश्ड होता रहता है। रिफ्रेश्ड होता है मीन्स कि डेटा अपडेट होता है, तो उससे क्या होता है कि हमारे पास अपडेटेड डेटा, कंसिस्टेंसी हमारी हाई हो जाती है। तो कह सकते हैं कि DRAM रिफ्रेश्ड एवरी टाइम, ये इसकी क्वालिटी होती है। बात करें रोम की, रीड ओनली मेमोरी की, तो जस्ट वो रैम का अपोजिट होता है, दैट इज़ नॉन वोलेटाइल इन नेचर। मीन्स कि डेटा हमारा लॉस्ट नहीं होगा अगर पावर स्विच ऑफ हो गया, बिकॉज ये जस्ट लाइक परमानेंट मेमोरी की तरह काम करता है। परमानेंट मेमोरी में भी हम कह सकते हैं कि हमारा डेटा लॉस्ट नहीं होगा अगर हमारी सिस्टम शट डाउन हो गई। स्लोवर होता है, स्लोवर देन रैम। स्लोवर क्यों होता है? बिकॉज ईजली एक्सेसिबल नहीं है। रीड ओनली मेमोरी है, राइट नहीं कर सकते हम। रैम में रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, बट रोम में सिर्फ हम रीड ओनली मेमोरी है, दैट इज़ रीड, हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, तो ये ईजली एक्सेसिबल नहीं होगी। बात करें टाइप्स की, तो टाइप्स में प्रोम, फर्स्ट इज प्रोम, ई प्रोम, ई प्रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मीन्स कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी की बात करें, तो ऐसी रीड ओनली मेमोरी जिसे प्रोग्राम किया जाए। सपोज़ वॉशिंग मशीन में जो हमारी किट्स होती हैं, जो यूज़ होती हैं किट्स, वो प्रोग्राम की जाती हैं। उन्हें एक बार प्रोग्राम कर दिया, एक किट होती है चिप की तरह, उन्हें अगर प्रोग्राम कर दिया एक बार, तो जस्ट आपको क्या करना है, उसे फिक्स करना है वॉशिंग मशीन में। या माइक्रो ओवन की बात करें, तो माइक्रो ओवन में उसे फिक्स कर देना है। जस्ट आपका उसके बाद कोई काम नहीं है, आप उसमें कोई एडिटिंग नहीं कर सकते। वो क्या होगा, अब अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग काम करेगा। जब हम उसमें यूज़र अपने मैन जब फंक्शन बटन्स को दबाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपना काम करेगा। तो आपने एक बार प्रोग्राम कर दिया, दैट्स इट, ये कहलाता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी।
इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। समटाइम कुछ लाइन्स ऑफ कोड होते हैं जिन्हें हमें ज़रूरत पड़ जाती है उन्हें एडिट करने के लिए या डिलीट करने के लिए। अगर हम उन्हें इरेज करना चाहते हैं तो वैसे तो रोम में इरेज करने का कोई रूल नहीं है, सिर्फ आप रीड कर सकते हो, बट सम टाइम ऐसा होता है कुछ हम इरेजेबल, हम क्या करते हैं उन प्रोग्राम्स को इरेज, लाइन ऑफ कोड्स को हम इरेज करते हैं, बट बहुत रेयर केसेस में जो बहुत नेसेसरी होता है। तो वहाँ पे जब हम इरेज करते हैं प्रोग्रामेबल डेटा को तो उसे कहते हैं इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। द थर्ड इज इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि हमने डेटा इरेज किया, इलेक्ट्रिकली इरेज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दैट इज कि समटाइम आप डेटा को इरेज करना चाह रहे हो, बहुत ज़रूरत है, तो हम उस डेटा को उन लाइन ऑफ कोड्स हो जिन्हें हमने प्रोग्राम किया उन लाइन ऑफ कोड्स को हम इरेज कैसे करेंगे, तो उन पे कुछ इलेक्ट्रिकल बीम्स जो लाइट्स होती हैं, वो इलेक्ट्रिकली लाइट्स जो होती हैं वो कंटिन्यूसली लगभग 24 आवर्स या कह सकते हैं कि 24 आवर्स के लिए कंटिन्यूस वो लाइट्स उन पर डाली जाती हैं, उन लाइन ऑफ कोड्स पर डाली जाती हैं, तब वो डेटा जाके इरेज होता है। और ये प्रोसेस बहुत लेंदी होता है, बहुत स्लोअर काम करता है, इसीलिए इसे हम रोम को हम स्लो भी कहते हैं, क्योंकि इसमें इरेज प्रोसेस, इरेजिंग करने का जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो होता है। तो हम कह सकते हैं कि ये नहीं के बराबर डेटा को इरेज करता है, या करता है तो इलेक्ट्रिकली इरेज करता है, डेटा को करता है बट बहुत ही रेयर केसेस में जब हमें ज़रूरत पड़ती है। तो रोम सिर्फ रीड ओनली मेमोरी है, इसमें राइट करने का कोई प्रोसीजर नहीं। लास्ट इज सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जो कि एक्सटर्नल मेमोरी कहलाती है, ऐसी मेमोरी जो हम यूज़ करते हैं अपने एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स के लिए। सपोज़ हमें इंटरनल मेमोरी कम पड़ रही है तो हम एक्सटर्नल का यूज़ करेंगे। पहली चीज़ कि ये नॉन वोलेटाइल होती है, मीन्स कि जो भी डेटा है, जो भी डेटा उसमें सेव हो रहा है वो परमानेंटली रहेगा, वो पावर स्विच ऑफ के बाद ख़त्म नहीं हो जाएगा, लॉस्ट नहीं होगा। तो जो भी डेटा है वो हमारे पास सेव है परमानेंटली। इसके बाद लार्ज कैपेसिटी, यानी कि अगर जितनी भी मेमोरी हायरार्की में जितनी भी मेमोरीज हमने पढ़ी इनकी बात करें तो सबसे ज़्यादा जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो है सेकेंडरी मेमोरी, सबसे ज़्यादा सेकेंडरी मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी। यानी कि ये जब यूज़ किया जाता है इट मींस कि हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा है स्टोर करने की कैपेसिटी, अप टू टेराबाइट कह सकते हैं, अप टू टेराबाइट तक हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। चीपर है, सपोज़ पीडी, आजकल के टाइम में जो पीडी यूज़ कर रहे हैं, पीडी, जिप ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, ये सारी जो सेकेंडरी डिवाइसेस हैं वो बहुत ही चीपर है कंपेयर टू रजिस्टर, कैश मेमोरी, इंटरनल, ये बहुत चीपर, तो हम कह सकते हैं चीपर देन रजिस्टर, कैश एंड इंटरनल मेमोरी। देन कम्स ऑक्सिलरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मीन्स इसे बैकअप मेमोरी भी कह सकते, ऐसी मेमोरी जो बैकअप तैयार कर, एक तरह से अगर हमारे पास डेटा परमानेंटली स्टोर हो रहा है इट मींस कि हमारे पास एक बैकअप तैयार हो रहा है, हम उस डेटा को कभी भी किसी टाइम भी यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी लॉस। फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ये सारी ऑक्सिलरी मेमोरी। बात करें टाइप्स की तो सेकेंडरी डिवाइसेस के वैसे तो टाइप्स को कैटेगरीज में डिवाइड नहीं किया गया है, बट अगर डिवाइड किया जाए तो एक कहलाती है फिक्स सेकेंडरी मेमोरी, एक रिमूवेबल। फिक्स की बात करें तो हार्ड डिस्क ड्राइव इज अ फिक्स्ड, फिक्स किया जाता है, सीडी, डीवीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, इन्हें भी फिक्स किया जाता है। तो ऐसी मेमोरी जो फिक्स किया जाता है वो कहलाती है फिक्स्ड सेकेंडरी मेमोरी। सीडी की कैपेसिटी अप टू 700 MB, डीवीडी की बात है तो इसका 15 गुना कह सकते हैं डीवीडी। रिमूवेबल की बात करें तो मतलब
लगाया, यूज़ किया, देन उसे इजेक्ट कर लिया. लाइक पीडी, पेन ड्राइव, हम क्या करते हैं, उसको लगाते हैं, यूज़ करते हैं, देन उसे इजेक्ट कर लेते हैं. ब्लू रे डिस्क, ब्लू रे डिस्क एक ऐसी रिमूवेबल सेकेंडरी डिवाइस है. ऑप्टिकल मीडिया यूज टू स्टोर HD वीडियोस एंड मल्टीमीडिया फाइल्स स्टोरेज, मल्टीमीडिया फाइल्स, ऐसी डिवाइस जो कि मल्टीमीडिया फाइल्स को HD वीडियोस को स्टोर करती हैं. अब HD वीडियो स्टोर कर रही है, इट मींस कि इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होगी. तो इसकी स्टोरेज कैपेसिटी अप टू 128 GB तक हो सकती है. कह सकते हैं कि इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है. लास्ट में बात करें ऑक्सिलरी मेमोरी की, तो डिवाइस दैट प्रोवाइड बैकअप स्टोरेज, फॉर एग्जांपल मैग्नेटिक डिस्क, टेप्स, मैग्नेटिक ड्रम्स, मैग्नेटिक बबल मेमोरी एंड ऑप्टिकल डिस्क. इट इज़ नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल टू द CPU. CPU को डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होती, हमें क्या करना, कनेक्ट करना पड़ता है और यूज़ करना पड़ता है. एंड इज एक्सेस्ड यूजिंग द इनपुट आउटपुट चैनल. कुछ इनपुट आउटपुट चैनल होते हैं जिनका यूज़ करके हम इसे कनेक्ट करते हैं एंड यूज़ करते हैं. तो अगर मेमोरी की बात करें तो मेमोरी हायरार्की में कुछ ये पॉइंट्स थे जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट थे. बात करें अगर इनके स्टोरेज की, तो रजिस्टर इंफॉर्मेशन बिट के रूप में स्टोर करता है, तो इसकी जो कैपेसिटी होगी वो बाइट्स में होगी, हम कह सकते हैं बाइट्स में इसकी कैपेसिटी होगी. कैश मेमोरी जो इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है वो भी बाइट के रूप में करता है, तो किलोबाइट और मेगाबाइट कह सकते हैं, अप टू मेगाबाइट किलोबाइट तक इसकी स्टोरेज कैपेसिटी होगी. प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो ये डेटा GB तक स्टोर कर सकता है, अप टू GB, जैसे कि रैम है, रैम की 16 GB. सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो सेकेंडरी मेमोरी डेटा अप टू पेटाबाइट तक स्टोर कर सकता है, गीगाबाइट, टेराबाइट एंड पेटाबाइट तक. तो ये इनकी स्टोरेज कैपेसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन होगी. बात करें कुछ और हायरार्की, इसी हायरार्की में कुछ और की, तो रजिस्टर कैश एंड रजिस्टर कैश कहलाते हैं इंटरनल मेमोरी, यानी कि ये रजिस्टर एंड कैश मेमोरी इंटरनल मेमोरी के पार्ट है. मेन मेमोरी को हम कह सकते हैं प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी हमारी प्राइमरी मेमोरी भी कहलाती है, दैट इज़ रैम. USB फ्लैश मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क, HD, जितने भी मेमोरी होती हैं ये कहलाती हैं सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज. सेकेंडरी स्टोरेज के लिए USB यूज़ होता है, फ्लैश मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क एंड हार्ड डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज के लिए. एंड लास्ट इज मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक ड्राइव, जो कि हम ऑक्सिलरी की तरह काम कर रहे थे, ये यूज़ होती है हमारी टर्टरी स्टोरेज की. तो हम कह सकते हैं कि ये जो है हमारी टर्टरी स्टोरेज है, यानी कि एक्सटर्नल से भी बाहर टर्टरी काम के लिए बहुत रेयरली यूज़ होती हैं. तो ये कुछ हायरार्की थी, मेमोरी हायरार्की के बारे में इंफॉर्मेशन थी, जो हम कह सकते हैं कि जो सबसे जो मेन मेमोरी होती है हमारी, जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल है वो है हमारे लिए मेन मेमोरी, जिसमें दो पार्ट्स होते हैं, रैम एंड रोम. रैम बेसिकली स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम है. रोम रीड ओनली मेमोरी, प्रोम ई प्रोम एंड ई स्क्वायर प्रोम. इसमें प्रोग्रामेबल है, इरेजेबल है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल. और कैपेसिटी की बात करें तो रैम की कैपेसिटी अप टू 16 GB तक होती है, कंपेयर टू रोम. रोम के पास कोई कैपेसिटी नहीं है, वो फ्यू MB को स्टोर करता है, उससे ज़्यादा नहीं स्टोर कर सकता है. तो रैम में हम सबसे ज़्यादा डेटा स्टोर करते हैं. इंटरनल की बात करें, इंटरनल में जितनी भी मेमोरीज हैं उनमें सबसे ज़्यादा रैम की कैपेसिटी होती है, अप टू 16 GB. और अगर हम सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी में सबसे ज़्यादा ब्लू रे डिस्क, अप टू 128 GB तक हम डेटा स्टोर कर सकते हैं. तो ये जो मेमोरी है वो यूज़ की जाती है आजकल के टाइम में जो HD वीडियोस हैं या मल्टीमीडिया फाइल्स हैं उन्हें स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं सेकेंडरी में ब्लू रे डिस्क, जो कि एक रिमूवेबल सेकेंडरी स्टोरेज कहलाई जाती है. कुछ और भी स्टोरेज है जैसे फ्लॉपी डिस्क, जिप ड्राइव, पेन ड्राइव,
ये सारी भी सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर आती हैं फाइल्स, ऐसी मेमोरी जो कि परमानेंटली स्टोर करती हैं डेटा। टेराबाइट इनकी मैक्सिमम कैपेसिटी कह सकते हैं, तो टेराबाइट इनकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है।